देखिए सरकार की तरफ से तो यह है कि पुलिस केस दर्ज हो गया है और SIT बना दी गई है। उस SIT के माध्यम से लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई है, 2 लोग अरेस्ट भी कर लिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य दोषी हैं उनको भी अरेस्ट करना बाकी है। दबिश चालू है और लोग छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर 1 दिन में 2 दिन में कहीं ना कहीं उनका पता लग जाएगा। और मैंने SP को कहा है, जिस SP का मुझे जो तुरंत पता लगा कि उसका दोष हो सकता है, अभी DGP को बुला करके सारी जानकारी मैंने ली है, तो उन्होंने भी कहा माना है, तो उस SP को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, नया SP उसकी जगह लगा दिया गया है। और जो मेवात की SP हैं उनकी देखरेख में SIT बना दी गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी घिनौनी हरकत को सहन नहीं किया जाएगा, वास्तव में निंदनीय घटना है, लेकिन इसको सहन नहीं करेंगे।